तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी वन प्लस नाइन आर वर्सेज वन प्लस नाइन आर टी के बारे में। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके बड़े भाई यानी कि वन प्लस नाइन के बारे में, जिसकी कॉस्ट अराउंड 54,000 है करंटली अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे, और ये वन प्लस नाइन आर टी से अराउंड 10 से 11,000 रुपए ज्यादा महंगा है। तो रहने दो फिर। अब क्या आपको 10,000 एक्स्ट्रा लगाकर वन प्लस नाइन की तरफ जाना चाहिए या फिर 10-11,000 रुपए बचा के वन प्लस नाइन आरटी की तरफ जाना चाहिए? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से। तो वन प्लस नाइन में आपको 6.55 इंचेस की फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, वही वन प्लस नाइन आरटी में 6.62 इंचेस की E4 एमोलेड स्क्रीन दी हुई है। दोनों ही डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, SGR10 प्लस का सर्टिफिकेशन एंड गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी हुई है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं बस आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि अगर आप इन दोनों ही फोन्स में से बेस्ट डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन ढूंढना चाहते हो तो फिर आंख बंद करो और वन प्लस नाइन आरटी की तरफ मुड़ जाओ। Okay. बात करें परफॉर्मेंस की तो दोनों ही फोन्स में फ्लैगशिप प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 888 दिया हुआ है जो कि 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, एंड दोनों ही फोन्स में सेम अड्रीनो 660 का जीपीयू भी दिया हुआ है, विच इज वेरी मच पावरफुल व्हेन इट कम्स टू गेमिंग। अब जबकि दोनों ही फोन्स में सेम प्रोसेसर एंड सेम जीपीयू दिया हुआ है तो आपको तो यही लग रहा होगा कि दोनों ही फोन्स में से परफॉर्मेंस भी सेम तरह की निकलेगी, है ना? नहीं। 2021 में जितने भी फोन स्नैपड्रैगन 888 के साथ लॉन्च हुए हैं सब में ईच एंड एवरी स्मार्टफोन हैज सम काइंड ऑफ हीटिंग इश्यूज। सेम चीज वन प्लस नाइन के साथ भी है, और ये बात पता नहीं मैंने अपनी कितनी ही वीडियोस में बोली है कि स्नैपड्रैगन जितना पावरफुल है उतना ही ज्यादा हीटिंग भी करता है। बट वन प्लस नाइन आरटी में वन प्लस वालों ने पता नहीं क्या जादू किया है कि ये हीट ही नहीं होता है, जबकि इसमें भी सेम स्नैपड्रैगन 888 वाला प्रोसेसर ही लगा हुआ है। इसका रीजन ये है कि वन प्लस ने इस बार नाइन आरटी में स्पेशली गेमर्स के लिए एक बहुत बड़ा वेपर कूलिंग चैम्बर लगाया है जो कि पिछले जनरेशन से 60% इंप्रूव है। 60% दैट्स अ ह्यूज इंप्रूवमेंट, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हवाबाजी है, इसके रिजल्ट्स भी बहुत इंप्रेसिव है। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है ये बोलते हुए, बट यस वन प्लस नाइन आरटी इज वे बेटर देन वन प्लस नाइन इन परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट। गजब बेइज्जती है। और अब हम बात करने वाले हैं इस कंपैरिजन के सबसे मेन टॉपिक के ऊपर, कैमरास। दोनों ही फोन में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया हुआ है जहाँ पे वन प्लस नाइन आरटी में प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल f1.8 एपर्चर के साथ, जिसमें ओआईएस भी है 16 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल मैक्रो। वही वन प्लस नाइन में प्राइमरी सेंसर है 48 मेगापिक्सल का विद f1.8 एपर्चर, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड विद f2.2 एपर्चर एंड 2 मेगापिक्सल मोनोक्रोम सेंसर। 2 मेगापिक्सल के कैमरास के बारे में तो मैं जिंदगी में कभी बात नहीं करूंगा। अबे साले 40-50 हज़ार के फोन में भी 2 मेगापिक्सल का मैक्रो? वन प्लस अगर आप ये सुन रहे हो तो रिमूव कर दो, नहीं चाहिए हमें 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। ये क्या बात करता है यार। बात करें प्राइमरी सेंसर की, सस्ते वन प्लस नाइन आर टी में आपको ओआईएस देखने को मिलता है, वही महंगे वाले वन प्लस नाइन में कुछ भी नहीं दिया। बात करें अल्ट्रा वाइड की तो यहाँ पे वन प्लस नाइन के पास बेटर सेंसर है जिसके बेनिफिट्स भी आपको उसके फोटोज एंड वीडियोस में देखने को मिलेंगे। मतलब अगर आप कोई लैंडस्केप या फिर किसी सीनरी की फोटोज क्लिक कर रहे हो तो उस केस में आपको वन प्लस नाइन में बेटर डायनामिक रेंज और बेटर डिटेल्स भी देखने को मिल सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम तो प्राइमरी सेंसर को यूज करोगे ना, जो कि वन प्लस नाइन आर टी का बेटर है। तो कैमरा डिपार्टमेंट में भी मैं यही बोलूंगा कि वन प्लस नाइन आर टी has an edge. आप खुद ही देख लो ना, वन प्लस नाइन के पास सिर्फ दो एडवांटेजेस हैं, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 8K की वीडियो रिकॉर्डिंग। आपको ये ज्यादा मैटर करता है या फिर वन प्लस नाइन आर टी का बेटर प्राइमरी सेंसर जिसको आप 90% ऑफ द टाइम में यूज करोगे, बेटर पोर्ट्रेट्स, OIS होने की वजह से बेटर नाइट फोटोग्राफी, बेटर स्टेबलाइज वीडियोज और भी बहुत कुछ। सो कैमरा डिपार्टमेंट स्ट्रेट अवे गोज टू वन प्लस नाइन आर टी। आई थिंक यही 3 मेजर डिफरेंसेस हैं इन दोनों फोन्स के बीच में, बाकी बैटरी, सेल्फी कैमरा, स्टोरेज वेरिएंट्स और भी बाकी चीजें ऑलमोस्ट नेक टू नेक है, मतलब 19-20 का डिफरेंस हो सकता है। बाकी जितने भी मैंने डिफरेंसेस बताए हैं सब में वन प्लस नाइन आर टी वॉज अहेड ऑफ वन प्लस नाइन, चाहे वो डिस्प्ले की बात हो, परफॉर्मेंस की बात हो या फिर कैमराज की बात हो। तो क्या आपको 10,000 एक्स्ट्रा लगाकर वन प्लस नाइन को परचेज करना चाहिए? आई थिंक आपको आंसर ऑलरेडी पता है। अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड चैनल पे नए हो तो क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो। और हाँ, इंस्टा फेसबुक पे फॉलो करो ना करो, बट ट्विटर पे डेफिनेटली फॉलो करना, क्योंकि वहां पे मैं सारे फोन्स की लेटेस्ट अपडेट्स पोस्ट करता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा वीसा।